निर्भया, दिशा और अब अपराजिता। हर घिनौने अपराध के बाद देश में बदला कानून, लेकिन नहीं रुका ये घिनौना अपराध। हमारे देश में रेपिस्टों को फांसी देने में कितने हैं रोड़े। अब क्या ममता का अपराजिता बिल दे पाएगा भारत की महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। इस वक्त देश में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और उसके बाद हत्या का मामला गरमाया हुआ है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे फांसी देने की मांग हो रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेप के मामलों में फांसी की सजा देने के लिए एक नया बिल पास कर दिया है। ये बिल है अपराजिता बिल। अपराजिता बिल में रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है, जबकि रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान तो पहले से ही हमारे कानून में है। हर साल रेप के कई मामलों में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ममता के अपराजिता बिल के आ जाने से क्या होगा? क्या ममता का अपराजिता बिल बन पाएगा महिला सुरक्षा की गारंटी? तो चलिए इस मुद्दे को डिटेल में समझते हैं। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से आया ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट POCSO में संशोधन करता है। इस बिल में रेप और गैंगरेप के सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही ऐसे मामलों में पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अगर इस तय समय पर जांच पूरी नहीं होती है तो 15 दिन का समय और मांग सकते हैं, लेकिन उनको अदालत में देरी की वजह बतानी होगी। हालांकि अभी यह बिल सिर्फ विधानसभा में पास हुआ है और इसे कानून बनाने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी बाकी है। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब महिला सुरक्षा को लेकर कानून में बदलाव करना पड़ा है। इससे पहले भी रेपिस्टों को सख्त से सख्त सजा देने के मकसद से कानून बदला जा चुका है, लेकिन कानून बदलने के बावजूद देश में हालात नहीं बदले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अब भी देश में हर दिन 86 रेप होते हैं और पिछले 20 साल के आंकड़े देखें तो भारत में रेप और मर्डर के केवल 5 दोषियों को ही फांसी की सजा हुई है। अब एक सवाल यहां जनता का जो सरकार से है कि रेपिस्टों को फांसी देने में इतने रोड़े आखिर क्यों हैं? सरकार कोई ऐसा केंद्रीय कानून क्यों नहीं लाती जिससे महिलाओं को तुरंत न्याय मिले? वहीं अब देखना यह होगा कि ममता के अपराजिता बिल से कोलकाता की महिला डॉक्टर को कब तक इंसाफ मिलेगा, दोषियों को आखिर कब फांसी होगी, साथ ही क्या ममता का अपराजिता बिल देश की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देगा? इस सवाल पर आप अपनी राय बेबाकी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।